हालांकि भगवान भी नित्य है और हम नित्य हैं, भगवान भी चेतन है और हम भी चेतन हैं, पर फर्क क्या है? फर्क है कि एको बहुनाम, वो एक भगवान इतने सारे जीवों का पालन करते हैं। इसलिए है, अगर कोई बद्ध अवस्था में है या मुक्त अवस्था में, हर एक व्यक्ति का पालन पोषण करने वाले भगवान ही है। हालांकि हम भगवान को छोड़ के दुनिया में आए हैं, भगवान से स्वतंत्र वो करना चाहते हैं, पर उसमें भी भगवान की ही मदद चाहिए। भगवान का मदद के बिना हम भगवान से अभिन्न भोग भी नहीं कर सकते। तो एक बार मैं किसी से सुन रहा था, एथिस्ट का डेफिनेशन क्या है, नास्तिक का डेफिनेशन क्या है? नास्तिक का मतलब है वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो भगवान पे विश्वास नहीं करता। उसका मतलब है नास्तिक का डेफिनेशन के लिए भी भगवान की जरूरत है। नास्तिक के डेफिनेशन में डेफिनेशन क्या है? वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, गॉड तो आ गया उधर। तो ऐसे ही अगर हम भगवान को भूलने का भी प्रयास करेंगे, पर भगवान को भूलने का जो शक्ति है और अलग भोग करने का जो अलग अलग सामग्री है वो भगवान ही देते हैं। जो कम्युनिस्ट कंट्रीज में, रशिया इत्यादि में लोग कन्वर्ट करते थे, लोगों को नास्तिक बनाते थे। कैसे करते थे वो? लोग जाके चर्च में प्रार्थना करते हैं, ओ गॉड गिव अस योर डेली ब्रेड, भगवान हमारा रोज का ब्रेड दे दो, है कि नहीं? तो ये सब लोग चर्च में प्रार्थना करके बाहर आते थे, ओ गॉड गिव अस अ डेली ब्रेड, हमको रोटी दे दो। तो ये कम्युनिस्ट लोग जो है, नास्तिक लोग जो है, ट्रक में खड़े होते थे ब्रेड लेके, तो लोगों को पूछते थे भगवान ने दिया क्या ब्रेड? बोलते नहीं। वो ट्रक खोलते थे और ब्रेड देते थे, बोलते भगवान वगैरह कुछ होता नहीं है, ब्रेड हम देते हैं। लोगों को नास्तिक बनाते थे। पर ब्रेड तुम देते हो, पर वो वीट कहाँ से आता है? फैक्ट्री में बनता है क्या वीट? भगवान की कृपा से ही। मतलब भगवान को नाकार करने का जो शक्ति है, बुद्धि है और सामग्री है, वो भी भगवान की कृपा से आता है।